मित्रों नमस्कार, ये कहानी मेरी जुबानी में आपका स्वागत है। मैं विवेक आज आपके लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कहानी जिसका शीर्षक है दुराचारी। मित्रों ये कहानी आप पूरा सुने और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे ऐसे महान लेखकों की मनोरंजक और महान कहानियां आपको सबसे पहले मिलें और हमें भी अच्छी कहानियां लाने का प्रोत्साहन मिले। लीजिए प्रस्तुत है कहानी दुराचारी। पंडित राम सेवक के हाथ से सुमरनी गिर पड़ी। वह झल्लाए से उठकर पूजा की कोठरी से बाहर बरामदे में चले आए। बरामदे से गाना और साफ साफ सुनाई पड़ने लगा। मुंशी दयाशंकर के तिमंजले पर से कोई कोकिल कंठी गा उठी, नीर भरन कैसे जाऊं। सचमुच गीत बहुत ही मधुर और गाने का ढंग अत्यंत आकर्षक था। पंडित रामसेवक लाख प्रयत्न करके भी माला जपने में सफल ना हो सके। जब राम नाम का गढ़ इस गीत के सामने टूटकर गिर ही पड़ा तब पंडित जी सुमरनी एक तरफ रखकर बरामदे में एक स्टूल खींचकर बैठ गए। दयाशंकर की कोठी की तरफ मुंह करके वे संगीत का सुख लेने लगे। गायिका गा रही थी, डगर चलत मोसे रार करत हैं, बहिया पकर मोरी ढील कन्हाई। पंडित जी संगीत में इतने तन्मय होकर सुन रहे थे कि वे अपने पड़ोसियों का आना जाना भी न जान सके। उनकी तंद्रा तब टूटी जब उनके पड़ोसी किशन ने उनके कंधे पर हाथ धरते हुए पूछा, पूजा हो गई पंडित जी? कहाँ की पूजा, कहाँ का पाठ भाई। जब से यह पड़ोसी आया तब से सुबह गाना, शाम को गाना, दोपहर को गाना, गाना छोड़कर जैसे उसे कुछ काम ही नहीं है। रेडियो तो रेडियो, अब यह एक नया तूफान और खड़ा किया है। जीवन बोला, भाई कुछ भी हो, बुरा चाहे भला, मोहल्ले में जान सी आ गई है। और सच बात तो यह है, गाना मुझे बुरा नहीं लगता है पंडित जी। इतना कहकर वह मुस्कुराया। पंडित जी तिलमिला से उठे, बोले, तुम्हें क्यों ना अच्छा लगे, मुंशी दयाशंकर की कोठी पर तुम्हारी शाम जो कट जाया करती है। बड़े आदमियों के साथ उठते बैठते हो और पान सिगरेट ऊपर से मुफ्त का, पर यहाँ तो इस गाने बजाने के मारे पूजा पाठ धर्म कर्म सब डूबा जा रहा है। डॉक्टर कामता प्रसाद बोले, अरे भाई माना कि गाना बजाना बुरा नहीं है, पर सब बात समय पर अच्छी लगती है। हर घड़ी गाने बजाने से तो भाई मोहल्ला सचमुच बर्बाद हुआ जा रहा है और बच्चे बिगड़े जा रहे हैं। किशन बोला, किसके बच्चे बिगड़े जा रहे हैं डॉक्टर साहब, कोई उदाहरण की तरह बताइए ना। डॉक्टर साहब खींच उठे, बोले, लो अब तुम मुझे करास एग्जामिन करने लगे। यह जो आज तिमंजलि पर वह एक वैश्य बुलाकर गवा रहा है तो क्या बच्चे देखते नहीं और उन पर इसका कुछ बुरा असर पड़ता ही नहीं। पंडित जी जोर से बोले, अरे पड़ता क्यों नहीं, जरूर बुरा असर पड़ता है। सच कहता हूं, अगर मेरा बस चले तो ऐसे दुराचारी को गोली से उड़ा दूं। डॉक्टर साहब बोले, मेरे भी मन में यही बात आता है, पर क्या करूं। अरे भाई रुपया पैसा है तो जमीन जायदाद खरीद लो, मंदिर बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, कुछ धर्म के नाम पर खर्चा कर दो, पर यह क्या कि सारा पैसा नाच गाने में फूंक दिया जाए। फिर स्वर को धीमा करके बोले, और भाई शाम को 8 बजे के बाद तो वह सदा शराब के नशे में रहता है, ऐसा दुराचारी तो कहीं नहीं देखा, उसकी तो छाया छूना भी पाप है, धर्म कर्म से दूर सदा पाप में डूबा रहता है। पंडित जी ने जीवन की ओर देखा, फिर बोले, ना भाई ऐसी बात जीवन भैया के सामने ना कहो। अरे जीवन भैया की शाम तो पराया वहीं कटती है, और कौन जाने घूट घूट चढ़ा भी जाते हो तो कुछ आश्चर्य नहीं, संगत का असर तो पड़ता ही है। बात अधूरी ही रह गई। इसी समय फटे चीथड़ों में लिपटी हुई एक स्त्री अत्यंत दुर्बल किसी प्रकार अपने तन को ढके एक बीमार बच्चे को कंधे से लगाए वहां आ पहुंची। बच्चे को वहीं सुलाकर वह दोनों हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक कर बोली, पंडित जी गोड़ ले परी, ताला खुलवाई दें, बेटौना दिक्यान है, यहाँ परदेश में हम कहाँ जाई।
काल परों तक कोठरिया के किरावा जरूर दे देव, आज कतहू नहीं पायन। अर्थात पंडित, पैरों पर पड़ती हूँ, ताला खुलवा दीजिए। लड़का बहुत ज्यादा बीमार है, परदेश में कहाँ जाऊं। कल परसों तक किराया जरूर दूंगी, आज कहीं नहीं मिला। पंडित जी उसे झिड़कते हुए बोले, जब तक किराया नहीं लाएगी ताला नहीं खुलेगा। आजकल कहते कहते 15 दिन हो गए, जा निकल, नहीं तो ठोकर मार के निकलवा दूंगा। स्त्री फिर गिड़गिड़ाई, बेटौना जड़ाए के मर जाए मालिक, जब ओढ़े बिछावे के भीतरे बंद होएगा है। दया करी मालिक, जानो आपे के जियाए जियत लाघम। अर्थात लड़का ठंड के मारे मर जाएगा। मालिक, ओढ़ने बिछाने का कपड़ा सब भीतर बंद है, जैसे आपकी ही जिलाने से जीते हैं, दया करे मालिक। पंडित जी ने उसे एक जोर की झिड़की दी, बोले, जा अभी निकल जा, तेरा और तेरे बच्चे का मैंने ठेका नहीं लिया है, मरे चाहे जिए, जब तक किराया नहीं लाती कंपाउंड के भीतर पैर मत रखना। स्त्री रोती हुई अपने बीमार बच्चे को उठाकर बाहर चली गई। न जाने क्या सोचकर जीवन भी उसी स्त्री के पीछे उठकर चला गया। शायद एक गरीबनी के प्रति इतनी कठोरता उससे सही न गई। जीवन के जाते ही पंडित जी किशन और डॉक्टर साहब की तरफ मुखातिब होकर बोले, बदमाश है साली, जब तक इनके साथ इस तरह पेश ना हो किराया देते ही नहीं। यह नहीं है कि इनके पास है नहीं, पर देने की नीयत नहीं है। रोज चाय पीती है, दूध शक्कर के लिए पैसे आ जाते हैं, पर किराए के लिए सदा यही रोना रहता है। किशन के अंदर जैसे कुछ दुख सह रहा था, वह कुछ बोला नहीं। डॉक्टर साहब, हाँ रीवा वाले बदमाश होते ही हैं, यह कहकर चुप रह गए। वे भी मकान मालिक थे, किराया वसूली में उन्हें भी अड़चन आती थी, पर प्रायः यही होके रहता था। जब मजदूर अपना ताला बंद करके मजदूरी करने जाते, तब उन गरीब मजदूरों के कमजोर तालों पर इन मकान मालिकों के मजबूत ताले पड़ जाते, और जब तक वह मजदूर, फिर वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, किराए की रकम ना अदा कर दे, मकान मालिक का ताला नहीं खुलता था। फिर वह रकम चाहे चोरी करके लावे, चाहे अपने को बेच कर, यदि किसी प्रकार भी किराए की रकम नहीं जुटा पाता था, तो चाहे बरसात हो या सर्दी, उस गरीब को आसमान की छाया के नीचे ही रहना पड़ता था। किशन और डॉक्टर साहब उठकर जाने को ही थे कि एक और दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति तिलक लगाए लाठी के सहारे आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब और किशन के सामने कहने में कुछ संकोच का अनुभव करते हुए भी न जाने क्या सोचकर बोला, मालिक, आज बड़ी आफत में पड़ गया हूँ, 10 रुपयों की बहुत जरूरत है। बहू को बाल बच्चा हुआ था, बुखार आ गया था, अब हवा लग गई है तो वह अर्र बर्र बकती है, बहुत गाफिल है। मेम आई थी देखने, 10 रुपये की दवा लिख गई है, आज का काम चला दो मालिक, आप ही का भरोसा है। पंडित जी ने बूढ़े की ओर घूर कर देखा, बोले, कोई जेवर लाए हो दीनू पंडित, या वैसे ही रुपया लेने आ गए हो? अभी तो पहले के रुपये ही पड़े हैं, एक धेला ब्याज तक नहीं मिलता है। दीनू सिटपिटा सा गया, बोला, जेवर एवर हम गरीबों के पास कहा है मालिक, आप सहारा न देंगे तो वह मर जाएगी, आप ही उसे जिलाइए, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा मालिक। पंडित जी झिड़कते हुए बोले, जेवर नहीं था तो फिर क्या हाथ झुलाते चले आए हो? जाओ रास्ता नापो, और यह सुन लो, पिछला रुपया मैं ब्याज के साथ 7 दिन के अंदर नहीं चुका दिया तो अदालत के जरिए वसूल करूंगा, समझे? बूढ़ा दीनू हताश होकर चला। पंडित जी खींच कर बोले, सुबह से शाम तक ये साले रुपया ही मांगने आते हैं, लौटाने के वक्त जान पर आती है। किशन और डॉक्टर साहब नमस्ते कर चले गए। उनके मन में क्या था कौन जाने। इस घटना के कई दिन बाद पंडित जी खेत पर जा रहे थे, रास्ते में मिल गए जीवन और किशन। पंडित जी ने पूछा, कहीं गए थे क्या जीवन भैया, दिखे नहीं इधर कई दिनों से, किशन तुम भी नहीं आए, रामायण भागवत रोज शाम को हुआ करती है, तुम लोगों के बिना सूना सूना लगता है भाई, आ जाया करो, धर्म की वार्ता से इतनी दूर क्यों रहते हो, असर पड़ने लगा क्या पड़ोसी का? किशन चुप रहा, पर जीवन बोल उठा, पंडित जी, रामायण भागवत और पूजा पाठ से फायदा ही क्या अगर हम आदमी को आदमी न समझ सकें। मैं तो रामायण भागवत का पाठ करता नहीं, पर आदमी को आदमी समझता हूँ।
भगवान मंदिरों में नहीं, हम आप और गरीबों में हैं। पर किराए के लिए उस दिन जैसा जो कुछ आपने उस गरीब स्त्री के साथ किया वह उचित न था। पंडित जी हंस पड़े, बोले, जीवन यही तुम भूल करते हो। अगर मैं कह दूं कि उस घटना के घंटे भर बाद ही उस स्त्री ने किराए के रुपए लाकर दे दिए, तब तो तुम विश्वास करोगे ना कि वह झूठ बोलती थी, और उसके साथ यही बर्ताव होना चाहिए था जो मैंने किया था। किशन बोला, वह स्त्री और दीनू पंडित आपके रुपए दे गया क्यों? पंडित जी सगर्व बोले, दे के कैसे न जाते, मैंने अदालत की जो धमकी दे दी थी, यह सब साले इसी लायक हैं। जीवन बोला, पर पंडित जी, इन दोनों आफत के मारे गरीबों को उसी दुराचारी दयाशंकर से मैंने ही रुपए दिलवा दिए थे, और तब कहीं वह कष्ट से छुटकारा पा सके, नहीं तो अब तक धन्यों के बच्चे का और दीनू की बहू का न जाने क्या हाल हुआ होता। शायद दीनू तो अदालत के चक्कर काटता होता और धन्यो बच्चे को दफना चुकी होती, परंतु एक दुराचारी ने उसे उबार लिया। मेरी राय में तो आप सरीखे सदाचारियों से यह दुराचारी कहीं अच्छा। मित्रों, ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी कहानी दुराचारी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे ऐसी मनोरंजक ऐसी अच्छी कहानियाँ आपको सबसे पहले मिले और हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।